कहाँ? गोरखपुर जा रहे हो? सोने वाला। आप कहाँ जा रहे हो? वही कहाँ? वही जा रही है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं जो है ट्रैवलिंग करने वाला हूँ आनंद विहार, न्यू दिल्ली से जो है गोरखपुर का जो सफ़र होने वाला है आज। ये जो सफ़र है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा मामला कम हुआ है तो हम लोग जो है सफ़र कर सकते हैं अभी। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए, ये जो है मज़ेदार सफ़र होने वाला है। सो बने रहिए आप लोग। चेकिंग हो रही है बैग वगैरह का, लेकिन इतनी भीड़ लोगों ने पता नहीं बॉल मचा रहा है। कोई सिक्योरिटी वाला यहाँ पे चेक करने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। ये देखो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे देखो भीड़ अभी लगी हुई है। फिर से अगर ट्रेन कोई ट्रेन आया है, देखो बच्चे सोया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई असुविधा है और आप अंदर इंटरनल के लिए कार अगर बुक करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ से स्टेशन तक इसको लेकर जा सकते हैं। ये देखो तो 12572 हमसफ़र एक्सप्रेस यही है, हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आएगी। तो ये प्लेटफॉर्म 1 की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। जैसे मैं पहुँचा तो स्टेशन पर लगी हुई है, 10 नंबर है, 11 12 अगला वाला जो है कोच मेरा होने वाला है, 8 मेरा शुरू में ही है। अंदर इसी चल गया, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। दोस्तों ये है हमसफर 12572, इसका नंबर है। ये चलते हैं, चलता है यहाँ से आनंद विहार से लखनऊ कानपुर होते हुए गोंडा और बड़नी होते हुए ये गोरखपुर का सफ़र तय करता है। ये इसके छूटने का टाइम है यहाँ 8 बजे का है। शाम को 8 बजे यहाँ से निकल छूट जाता है और सुबह 7:15 पे जो है बड़नी पहुँच जाता है। तो दोस्तों देखिए सामने आप अगर एंटर करते हैं सबको दिखाई देगा मिरर, कोई गन्ना है दिखाई नहीं क्या होगा या क्या है। ये है नल, नल में पानी आ रहा है, अभी तो आ रहा है। तस्वीर फायर के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एसी का पैनल लगता है, देखिए पैनल लगा हुआ है। यहाँ से सारा एसी का कंट्रोल होता है, देखिए ऊपर से नीचे तक सारा ये एसी का पैनल है पूरा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंट्रोल होता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा दानी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये सीट पूरा है और ये रहा बुक रीडिंग के लिए लाइट लगा हुआ है, तो उस पर लगा, यहाँ पे भी लगा हुआ है, देख सकते देखिए लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है। डिनर रहेगा, खाने का ऑर्डर, खाना कहाँ? गोरखपुर जा रहे हो? सोने वाला। आप कहाँ जा रहे हो? वही कहाँ? वही जा रही है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को बाथरूम का थोड़ा शेयर करा दो। बाथरूम में देखिए अभी तो साफ सुथरा ही लग रहा है, देख सकते हैं कुंडी है ये, हमेशा जब भी आए तो कुंडी बंद कर सकते हैं। फिर पानी के लिए है, पानी आ रहा है, शैम्पू नहीं है, खाली है, देख सकते हैं आप खाली है, तो नहीं। तो बच्चे के लिए है ये, अगर आप कोई मदर हैं बच्चे को यहाँ हाथ मुँह धुलाने के लिए आते हैं तो ये रहा, इसमें जो है आप लोग बच्चे को रख के अपना हाथ मुँह भी धो सकते हैं, इसके लिए बैठ सकते। सामने मिरर लगा हुआ है, ऊपर लाइट है क्योंकि आपका फेस क्लियर दिखे इसकी वजह, इसके लिए इधर देख सकते हैं आप, ये है, आप समझ गए होंगे, फ्लैश है। कोई भी अगर पायलट आता है तो प्लीज़ फ्लैश ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो पूरी गंदगी जो है फैल जाएगी यहाँ पर, गंदगी हम लोग नहीं फैलाएंगे, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग स्वच्छ और सुंदर रेलवे को बनाए रखें। तो चलते हैं आगे। भैया पानी की बोतल देना। कितने की है ये? पानी 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 भाई। हाँ भाई कितने की है? कितने का? ₹15। कितने की हो भाई?
लिखा है 15, 15 ही ले रहे हैं देखो। पहले 20 बोला। हाँ पहले 20 बोला, फिर मैंने रिकॉर्ड किया ना, तो 15 का दे रहा है। दोस्तों जब भी आप इस तरह के रेलवे के काउंटर, इस तरह के स्टेशन के काउंटर से जब लेते हो ना, तो MRP देख के लेना, और जिस MRP से ज़्यादा ले अगर तो प्लीज़ कंप्लेंट कर देना, क्योंकि थोड़ी देर पहले 20 रुपये का दे रहा था, फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया तो 15 रुपये का दे रहा है। तो इनकी मतलब मनमानी चढ़ती है, चलती है यहाँ पे इनकी। आपकी कौन सी सीट है? ये और ये। नहीं नहीं ये तो मेरी है, मेरी है ना, आपकी आपकी ऊपर वाली, ऊपर वाली है। पिछले बार की तरह चेन पुलिंग तो नहीं होगी, लग रहा है कुछ हो गया, तो मुझे लग रहा है चेन पुलिंग हो गया है, क्योंकि पिछले बार भी हो गया था, पता नहीं यहाँ का क्या सीन है, हम सफर में हमेशा चेन पुलिंग हो जाती है। देख क्या हो गया था, चेन पुलिंग। बाय बाय आनंद बिहार। चपाटी खाना शुरू। क्या खा रहे हो? हमें कहा है, हमें दोगे नहीं, हमें खाने नहीं दोगे, हमें खाने नहीं दोगे? अच्छा ले लो, नहीं आप लोग खा लो, मेरा भी मन नहीं, अभी मैं खा के आया हूँ, तो आप लोग खा लो। आपकी सीट ऊपर है। अच्छा मैं ये मेरी सीट नीचे है, आपकी सीट ऊपर है, हमारा ऊपर है। अच्छा ये आपका सामान है? हाँ ये हमारा सामान है। अच्छा चलो फिर मैं ऊपर ही शिफ्ट हो जाता हूँ। तो दोस्तों अभी बजे हैं 11:56 हो गए हैं और 55 सेकंड। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा नींद आने लग गई, नींद आ गई थी, झपके आ गई थी, सो गया। अभी पूरी बोगी में सब लोग सोए हुए हैं, देख सकते हैं पीछे पूरा को पूरा बोगी में सब लोग सोए हुए हैं। ट्रेन चल रहा है मस्त, आराम से चल रहा है। तो अभी तक जो है 17 मिनट लेट है, और जो है पता नहीं अब कितना लेट होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आई होप कि लेट ना हो। और रात में तो कोई नज़ारा दिख ही नहीं सकता, बाहर बहुत अंधेरा है। मैं सोच रहा हूँ कि शूट कर लूँ, लेकिन तो फ़ायदा नहीं है। अभी बजे हैं 12:26, 3 सेकंड। तो अभी मैं सोया नहीं था, क्योंकि नींद नहीं आने का कारण जो है ना ये, तो मैं ऐसे देख रहा था, एक अम्मा ना गिर गई, अभी ट्रेन तेज चल रहा था, गिर गई बेचारी, उठ नहीं पा रही थी। मैंने देखा कि इनको तकलीफ है, जाके उठा दिया। तो कानपुर पहुंच गए हैं, 1 बज गया है। इसी का ना डिसएडवांटेज एक चीज़ है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना मतलब आप मतलब बाहर का नज़ारा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एक तो मेरा ऊपर का सीट है, प्लस बड़ी दिक्कत होती है। देखिए मैं कानपुर स्टेशन पे खड़ा हूँ अभी। कानपुर स्टेशन है, देखो बाय बाय कानपुर, बाय बाय कानपुर, कानपुर को बाय बाय। अब अंदर आ जाते ना तो बड़ी दिक्कत हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। उठ गए हैं, तो पहुँचने वाले गोंडा कचहरी। देखिए गोंडा कचहरी, रेवड़ी कैसे दे रहे हो भैया? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो हो गया? अभी मुँह भी नहीं धोया हूँ। तो गोंडा तो हम लोग पहुँच ही गए, गोंडा के बाद आएगा मेरे ख्याल से बलरामपुर आएगा, बलरामपुर से फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी आधे घंटे का 15-20 मिनट लगेगा, स्टॉपेज टाइम है यहाँ पे, इंजन चेंज होगा। जी गोंडा है, गोंडा स्टेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजन हटा के यहाँ पे डीजल इंजन लगाया जाता है, क्योंकि ये छोटा लाइन है, यहाँ से गोरखपुर तक का जो ये लाइन है, इसमें जो है कहीं पे भी बिजली का अभी संचालन नहीं हुआ है, इस वजह से जो है यहाँ पे इंजन चेंज होता है। सो आप लोग बने रहिए। ये क्या है पेठा? बाय बाय गोंडा, बाय बाय गोंडा। गोंडा से हम लोग निकल रहे हैं अभी, टाइम से है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 मिनट मेरे ख्याल से 5-6 मिनट लेट है, नहीं 16 मिनट लेट है, तो इतना कवर कर ही लेगा अभी, तो मतलब ज़्यादा वो नहीं है आगे। ये छोटा वाला लाइन है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो लोग जो है वेट कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी में बैठ गए, चलेंगे, सफ़र है। रात भर नींद नहीं आई यार दोस्त, क्या करो, नींद से नहीं है आपको। वो जो है ना दरवाजे वाला,
मामला, तो इस वजह से नहीं आएंगे। नींद तो मॉर्निंग का टाइम है, 6:16 17 मिनट हो गए। देखिए होंडा से निकल रहे, बड़ा अच्छा। जय सूर्यदेव, भगवान की जय। नौतनवा से उधर लगे हुए हैं गोरखपुर तक, और यहाँ से जो है आपका नौतनवा तक नहीं लगा हुआ, इस वजह से यहाँ पे आने के बाद चेंज करना पड़ता है। अभी इसका काम चल रहा है, हो सकता है 1-2 साल में पूरा भी हो जाए, तो यहाँ पे रुकने की ज़्यादा जरूरत, इंजन चेंज करने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि जल्दी हो। नेटवर्क नहीं आ रहा है, खत्म हो गया नेटवर्क। अच्छा, ओ सो सैड। कौवापुर आ गए भैया, कौवापुर। ये कौवापुर का स्टेशन, सफर तो कभी खत्म होगा नहीं, तो आज नहीं कल चलते रहना है। बढ़नी फाइनली पहुंच गया, बढ़नी बढ़नी। तो दोस्तों मैं बढ़नी पहुंच गया हूं, और ये ट्रेन जा, देखो हम सफर तो गोरखपुर के लिए निकल रही है। सो 1.5 घंटा लेट था ट्रेन। इसी तरह के ब्लॉग में लेके आता रहता हूं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।